हम उज्जैन महाकाल के शहर में हैं और ये होलिका दहन का दिन है। यहाँ पे प्रथा है कि पहले महाकाल को ही वीर चढ़ाकर उसके बाद होली की प्रारंभ होती है। महाकालेश्वर मंदिर है, उज्जैन में स्थित है, शिप्रा नदी के तट पे। यह स्वयंभू है और दक्षिणमुखी है। यहाँ पर आप सुबह भस्म से आरती होती है कि जिसे भस्म आरती कहते हैं, जिसका कि पहले से आप श्री महाकालेश्वर .nic.in पे जाकर बुकिंग करा सकते हैं। यह एक VIP दुर्गा में हम बैठे हुए हैं, जहाँ पर कि आपको अलग से टिकट लेकर जाना होता है और तभी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। बाकी जनरल लोगों के लिए भी होती है, जो कि मैं जब रात को हम लोग जनरल दर्शन करेंगे और पूरे मंदिर का हम करते हैं, तब आपको वहाँ पर दिखाएंगे कहाँ से ये होता है। पर अभी जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, यहाँ पे चूँकि भस्म से होती है, तो पहले की जो प्रथाएँ थी, यहाँ पे भस्म आरती में महिलाएँ नहीं जाती हैं और जो भी वस्त्र आप पहनते हैं उसमें कहीं सिला हुआ नहीं होना चाहिए। इसलिए एक ही वस्त्र इसमें ऊपर नहीं, हम लोग एक धोती पहनकर ही जो भी इनका होता है। पर चूँकि अब ये लाश से और उससे भस्म से नहीं होता है, अब यह गोइठे की होती है, गोबर की जो गोइठे बनते हैं, कुंडा भी कहते हैं वहाँ पे, उसके भस्म से अब ये किया जाता है। इसलिए अब थोड़ा सा लोग इसमें लिबरल भी हो गए हैं और ये पहले महाकाल को, शिवलिंग को, ये लोग वहाँ के जो पंडा होते हैं उनका हर महीने महीने या जो भी उनका एक तरीका है, कुछ दिनों का वो शिफ्ट होता है। ये देखिए, अब भस्म से आरती हुई, पहले दूध और घी और दही से स्नान करके अब ये भस्म से जा रहा है। और यह जो पर दृश्य है, यह आपको बताऊं कि मतलब कोई अगर महाकाल जाए तो ये भस्म आरती ज़रूर देखे। यह सूर्योदय से पहले अधिकतर 4 बजे तक ही होती है, बीच में कुछ कुछ टाइमिंग्स आगे पीछे हैं, पर अनुमान आप इसको 4 बजे सूर्योदय से पहले ही कर चले। और यहाँ का आनंद बिल्कुल ही शिवमय होता है। इसमें जो लाइन आप देख रहे हैं, हम लोग को आइडिया नहीं था, हम पीछे आके बैठे कि अच्छा से दिखेगा, पर वहाँ पे TV पे बहुत क्लियर व्यू है। महाकाल जो है यह पृथ्वी का सेंटर माना जाता है, जो कि साइंटिफिकली भी अगर देखें तो जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आकर यहाँ पर मिलती है। यह सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं, यहाँ पर एक महाशक्ति पीठ भी है, जहाँ पे सती का एक ऊपरी हिस्सा, होठ का अपर लिप वहाँ पे गिरा है और यहीं पर वो शक्तिपीठ मंदिर भी है। देखिए, अबीर चढ़ाकर होली की शुरुआत हुई। और यहाँ पर आप, पहले हमें पता नहीं था कि फ़ोन अलाउड है या नहीं है,
पर चूंकि जब हम लाइन में लगे तो हमने अपनी आधार कार्ड भूल गए थे हम लोग, तो हम आधार कार्ड लाने के, उन्होंने बोला कि आप मोबाइल पर भी दिखा सकते हैं। तो मैंने एक कैमरा अपना निकाला और वो मैं फ़ोन लेकर आया था। और यहाँ पे आपको बताऊँ, जैसे मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, यहाँ पे इजीली कैमरास अलाउड हैं और यहाँ पर आप लेके जा सकते हैं। और आपको बता दूँ कि यहाँ पर जब भी आप जाएँ, अपना आधार कार्ड, आईडी कार्ड हर एक व्यक्ति का ज़रूरी है। जस्ट भस्म आरती के बाद आप एक कीपन कटवा कर फिर स्पर्श आरती भी, एक स्पर्श पूजा भी कर सकते हैं। ये सुबह की भस्म आरती और दर्शन करके हम उज्जैन रेलवे स्टेशन से चल पड़े हैं अभी ओमकारेश्वर की ओर। ओमकारेश्वर की पूरी वीडियो एक अलग से अलग वीडियो में डालेंगे और शाम को हम वापस उज्जैन के आके आपको वो कंटिन्यू करते हैं। ये है काल भैरव मंदिर, कहते हैं कि काल के दर्शन के बाद ये का दर्शन भी करना ज़रूरी है और बहुत ही क्रश है। कुछ देख रहे हैं कैसे हम जल्दी अंदर इंटर कर पाए। यह महाकाल मंदिर के बाहर का दृश्य है। यहाँ पे सब जगह पे बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हैं जहाँ से अंदर आप महाकाल के का दर्शन कर सकते हैं। यह सिद्धि माता की मंदिर है और यहाँ पर ये जो है पूरे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दीप प्रज्वलित आप कर सकते हैं। इसमें जितने का भी आप चाहे उतने चढ़ावा दे के और उतने का दिया आप जलवा सकते हैं। यहाँ पर लोग दिया जला कर अपने मनीता भी मांगते हैं, मनीता पूर्ण होने पर भी आके इसे करते हैं। सभी दर्शन के बाद हम फ्री थे और थोड़ी सी भीड़ हमें लगी कम है, तो हम वैसे ही कैमरा ऑन करके चल दिए देखने को कि जनरल लाइन से कितने दूर का दर्शन होता है। और यही वो इलाका है जहां से कि अगर आप सुबह में जनरल टिकट लेते हैं तो आपको भस्म आरती दिखाया जाता है। ये अच्छा दूर है, देख पाएंगे। ये उतरते हुए आप देखेंगे कि सब जगह पर जो भी महाकाल का जो सजावट होती है वो बहुत ही भव्य और बहुत ही एकदम निराले तरीके से होती है, बहुत ही अलग तरीके से होती है, धतूरे से, काजू से, अखरोट से, बहुत सारी चीज़ों से। तो पूरे डिस्प्ले में लगा हुआ है फ़ोटो प्रिंट आउट करके, वो भी देखने लायक। यही वो जहाँ से भस्म आरती सुबह देखी जाती है। और आगे जो ये है ये VIP लेन है और पीछे जो आपने देखा यही होता है जहाँ पे कि जो भी आम जो नॉर्मल टिकट आप लेते हैं उससे आप भस्म आरती में भाग ले सकते हैं और कुछ लोग ऊपर में भी बैठते हैं। ये है श्री महाकालेश्वर मंदिर। ये महाकाल चौराहे पर ऊपर में चाणक्य आश्रम, जिसमें हमारे ये आज का हमारा नाइट स्टे इसी होटल में है, होटल प्रेसिडेंट। जस्ट ये फ्लाईओवर है काल के, उससे जस्ट उतरते यहाँ पे है बाईपास पे। कल हम यहीं से सुबह बंगलामुखी होते हुए रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए निकलेंगे। मालूम है सेकंड फ्लोर में राइट हैंड साइड कॉर्नर रूम नंबर 214 है। ये होली का समय था और 3-4 दिन के लिए लगातार छुट्टियां थी, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, रूम्स मिलने में बहुत परेशानी हुई। जय महाकाल।